बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमजा इस्लामिक वज़ाइब के प्यारे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए आयत करीमा का एक मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर काम में आपको कामयाबी अता फरमाएगी, चाहे वो इम्तहान हो, चाहे वो दुनिया की कोई और मुश्किल घड़ी हो, या आपको मुमकिन से नामुमकिन से मुमकिन काम लग रहा हो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसमें कामयाबी अता फरमाएगी इस आयत करीमा की बरकत से। मेरे दोस्तों, आयत करीमा का वर्द ख़ास रूहानी अमाल में से एक अमल माना जाता है, जिसको यकीन के साथ किया जाए तो हमेशा फ़ायदा देता है। ये कभी हता न जाने वाला अमल है, इसलिए आप जब भी आयत करीमा का जिक्र करें, इन्नी ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखते और बग़ैर किसी शक व शुबे के करे, क्योंकि शक कामयाबी को मात दे देता है। इसलिए यकसोई मोहब्बत और अकीदत के साथ जिक्र इलाही करें और अपनी कामयाबी अल्लाह की बारगाह से तलब करें। मेरे दोस्तों, आयत करीमा की फजीलत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। जो मुसलमान आदमी किसी भी मकसद के लिए इन कलिमात के साथ दुआ करता है, तो अल्लाह सुबहाना व ताला इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। सनन अल-तिर्मिज़ी। मेरे दोस्तों, वजीफे की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी हर काम में कामयाबी और खुशी के लिए हैं। नाज़रीन, कामयाबी हर इंसान हासिल करना चाहता है, हर इंसान की ख्वाहिश भी होती है कि वो जो चीज़ चाहे हासिल कर ले, जिसमें कामयाबी चाहे वो इसमें कामयाब हो जाए। लेकिन इस मामले में बाज़ लोग खुशकिस्मत होते हैं, जिनको मेहनत किए बिना हर चीज़ मिल जाती है, और बाज़ लोग मेहनत के बावजूद भी हाली हाथ ही रहते हैं, यानी उनको हर कामयाबी में रुकावट का सामना रहता है। और ये कहना गलत ना होगा कि उनको बदकिस्मती का सामना होता है। इसलिए आज हम बुरी किस्मत को अच्छी करने और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल करने का ख़ास रूहानी अमल बताएंगे, जिसके बरकत से आपको आपकी ज़िंदगी में दोबारा नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अमल को करने के लिए आप जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर तीन बार दुरूद शरीफ और दरमियान में दो तस्बीह आयत करीमा, यानी 200 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन बहुत मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़े, और इस बात का यकीन रखे कि आप जिसके दर पे आए हैं वो कुन फयकून है, हर चीज़ पर कादर है। ये अमल आपने 5 दिन तक जारी रखना है, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, बहुत से अफराद को वजीफ़ा करने में मुश्किल होती है और वो किसी न किसी वजह से वजीफ़ा नहीं कर पाते हैं, लिहाजा ऐसे अफराद को चाहिए कि वो आयत करीमा का नक्श अपने पास और एक अदद अपने घर में अपने मकासद की नियत से रख ले। आपको नक्श के भी वही फ़ायदे हासिल होंगे जो कि हमने वजीफे में बताए हैं। इसलिए अगर आप ये नक्श हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके इस नक्श मुबारक को हासिल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सदके जारिए की नियत से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी मुसलमान भाई बहन भी इस अमल और इस वजीफे से मुस्तफीद हो। जज़ाकल्लाह।